हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हमारे वन प्लस सेवन की। पहले मैंने सोचा था इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करूंगी क्योंकि हमारा जो वन प्लस सेवन प्रो था वो मुझे ज्यादा बढ़िया नहीं लगा, लेकिन आप लोगों की काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी इसकी अनबॉक्सिंग के लिए और साथ ही इसके अंदर हमें अब रेड कलर मिलता है और मेरे पास एक भी वन प्लस नहीं है जिसके अंदर मेरे पास रेड कलर हो, तो मैंने कहा अब तो दो दो रीजन हो गए हैं तो फटाफट से मंगवा लेते हैं। तो आइए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि ये डिवाइस हमारा कैसा है। तो फटाफट से खोलते हैं इसके बॉक्स को। सबसे पहले डालेंगे हम डिवाइस पे नजर और ये रहा हमारा डिवाइस। वाओ, इसका रेड कलर बहुत किलर लग रहा है, एकदम मस्त नजर आ रहा है। ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वाओ, बहुत प्यारी फिनिश आ रही है, बहुत प्यारी लुक आ रही है, एकदम शाइनी ब्राइट रेड, मस्त लग रहा है डिवाइस देखने में। इसके फ्रंट एंड बैक में हमें ग्लास बॉडी मिलती है। बैक में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है और एल्यूमिनियम फ्रेमिंग है। डिवाइस आपको हाथ में होल्ड करने में सॉलिड फील देगा, एकदम बढ़िया फील देगा और रेड कलर में तो किलर लग रहा है। मेरे हिसाब से तो जिसने लेना है इसको रेड कलर में ही लें। और साथ में डायमेंशन की बात कर लेते हैं, 157.7 इसकी हाइट है, 74.8 इसकी विड्थ और 8.2 mm इसकी थिकनेस और ये डिवाइस हमारा 182 ग्राम्स का है। अब देखते हैं आगे इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। फटाफट से डिवाइस को स्विच ऑन करते हैं और सेटअप कर लेते हैं। कुछ चीजें इस डिवाइस की वन प्लस सेवन प्रो से मिलती हैं, कुछ चीजें 6T से मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले जो है 6.41 इंच का डिस्प्ले है हमारा, ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ और इसके अंदर हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन है और ये हमारा 6T वाला ही डिस्प्ले है, ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले है। मजा आएगा आपको उसमें मूवीज देखने में, वीडियोस देखने में और उसके साथ वन प्लस के इंटरफेस में हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले के अंदर आपको मोड्स बहुत सारे मिलते हैं, आप डार्क थीम लगा सकते हो, नाइट मोड कर सकते हो, बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, तो वो सारी चीज़ें तो आपको इसके अंदर मिलती ही हैं। इसके बाद इस डिवाइस के प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो हमें स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलता है, 7nm बेस्ड प्रोसेसर है ये हमारा और इसके अंदर आपको एडिनो 640 के ग्राफिक्स मिलते हैं। ऑक्सीजन OS 9.5 का इंटरफेस मिलता है जो कि बेस्ड है हमारे एंड्रॉयड पाई पे। सेम प्रोसेसर है हमारा वन प्लस सेवन प्रो वाला और इसका मेरे पास 8GB रैम 256GB वाला वेरियंट है। रेड कलर की ऑप्शन आपको इसी में मिलेगी। इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो वन प्लस सेवन हमारा स्टार्ट होता है 33,000 से और वैसे इसके ऊपर आपको इंस्टेंट 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो हमारा वेरियंट है 8GB 256GB वाला, ये है हमारा 38,000 रुपीज़ का, इसके ऊपर भी इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 2,000 रुपये का। इसका जो खरीदने का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं ये छोटी गेम तो हमारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। वैसे तो फ्लैगशिप प्रोसेसर है इसका, एंटीटू स्कोर भी अगर हम देखें तो वो 366,000 आया, मतलब वन प्लस प्रो का इनका आया था 63, इसका थोड़ा सा ज़्यादा आया है, कैसे आया पता नहीं मुझे, लेकिन बढ़िया है इसका, हमारा और बढ़िया आया है। और साथ ही हम इसका पबजी टेस्ट भी जल्दी से करके देखेंगे कि पबजी में कैसे परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन हम ये भी देख लेंगे कि गेम खेलते समय हीटिंग इशू तो नहीं आ रहा डिवाइस में या फिर आपको बैटरी कंजप्शन कितना लग रहा है, ये सब चीज़ें भी पूरी तरह देखेंगे कि गेमिंग करते समय क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या बढ़िया रहता है, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे TNG गेमिंग चैनल पे, चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, इस डिवाइस के कैमरा पे नजर डाल लेते हैं क्योंकि वन प्लस सेवन प्रो का कैमरा तो हमारा थोड़ा दिक्कत वाला था। इसके बैक में आप देख सकते हैं हमें मिलता है 48+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, 48 वाले का अपर्चर है 1.7 और उसके साथ 16 मेगापिक्सल का हमें मिलता है सेल्फी कैमरा। मोड्स आपको सारे मिल जाते हैं। अब पिक्स पे अगर आप नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग हमें बहुत अच्छी मिलती है, बढ़िया डिटेलिंग मिल रही है और पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमारा एज डिटेक्शन काफी अच्छा है इसके कैमरे का। साथ ही आप ये देख सकते हैं नॉर्मल मोड में भी पिक्स अच्छी आ रही हैं, HDR मोड में भी पिक्स कमाल की लग रही हैं और साथ में लेकिन जो प्रॉब्लम हमारे वन प्लस सेवन प्रो में थी वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगी कि हमारे पास इसके अंदर जो वीडियोग्राफी होती है उसके अंदर एंगल बहुत ज़्यादा क्रॉप किया होता है, सेंसर जो है वो हमारा क्रॉप्ड है, तो इससे ये दिक्कत आती है कि आप अपनी ग्रुप सेल्फी लेनी हो, ग्रुप वीडियो बनानी हो तो वो आप नहीं बना सकते, या फिर अगर आपको टिकटॉक पे या फिर फेसबुक पे या फिर यूट्यूब लाइव पे भी अगर आपको वीडियो बनानी हो तो उसमें भी ये है कि आप आधे नजर आओगे, पूरे नजर नहीं आओगे। वीडियोग्राफी के लिए ये डिवाइस हमारा इतना बढ़िया नहीं रहता, इसका जो सेंसर जो है वो पूरा क्रॉप है। ये सेम प्रॉब्लम 7 प्रो में भी थी, इसमें भी है और काफ़ी सारे अपडेट आए हैं अभी तक, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही और मुझे लगता भी नहीं है कि अब वो सॉल्व होगी।
सेल्फी कैमरे के पिक्स पे आप नजर डाल सकते हैं। इसमें भी थोड़ी दिक्कत आती है कि मैंने एक ही जगह पे सेल्फी ली है, आप देख सकते हैं एक ही जगह है, एक ही लाइटिंग, नेचुरल लाइट कंडीशंस हैं ये हमारी, और एक में मेरे मतलब ड्रेस का कलर एकदम येलो आ रहा है, मैंगो कलर आ रहा है, एक में लेमन शेड आ रहा है, मतलब कलर को भी ये मेंटेन नहीं कर पा रहा है इसका सेल्फी कैमरा। मैं आगे आपको और सेल्फीज दिखाती हूँ, मतलब हर एक पॉइंट पे एक ही जगह पे खड़े होने के बाद भी इसका कैमरा हर बार डिफरेंट ले रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक्चुअल में डिटेलिंग अच्छी है इसके सेल्फी में भी, इसका एज डिटेक्शन बहुत अच्छा है सेल्फी कैमरा का, लेकिन कलर्स का बिल्कुल एक्यूरेट नहीं ले रहा है। एक ही रूम में एक ही जगह पे पिक ली है और डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं ड्रेस के, तो मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो पिक मज़ेदार नहीं आ रही है। तो सेल्फी कैमरा तो मुझे इसका बिल्कुल ठीक नहीं लगा, बैक कैमरा जो है वो हमारा सही है, बढ़िया पिक्स ले रहा है, लेकिन वीडियोग्राफी के लिए आपको फिर अगेन प्रॉब्लम रहेगी इस डिवाइस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के हम बैटरी की। इसके अंदर हमें मिलती है 3700 mAh की बैटरी, सेम 60 वाली, और इसके साथ आइए बॉक्स कंटेंट पे नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है हमारा टर्बो अडैप्टर जो कि 20 वॉट का चार्जर है। इसका हम जल्दी से चार्जिंग टेस्ट और बैटरी ड्रेन टेस्ट करके देखेंगे कि रियल लाइफ बैटरी कंजप्शन कैसा है इस डिवाइस का। और साथ में ये है हमारी टाइप सी केबल, और उसके साथ ये हमारा बैक केस, साथ में ये हमारी इजेक्शन पिन, और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स और स्टिकर। और वैसे हमें इसके साथ ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं, और ना ही डिवाइस के अंदर हमें 3.5 mm हेडफोन जैक मिलता है, ना ही हमें डोंगल मिलता है कनेक्टर जो होता है, और ना ही आपको वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इस डिवाइस के साथ ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको इसको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ हेडफोन्स के साथ यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर अपनी नॉर्मल लीड नहीं लगा सकते, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इस डिवाइस के अंदर। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, उसको आप देख सकते हैं काफ़ी एक्यूरेट है, फटाफट से हमारे डिवाइस को अनलॉक कर रहा है, और साथ में आपको इसके अंदर फेस अनलॉक भी मिल जाता है, वो भी हमारे डिवाइस का काफ़ी सही वर्क कर रहा है। सो ये था हमारा OnePlus 7 जो कि रेड कलर में तो एकदम किलर है, डिवाइस हमारा बढ़िया है, परफॉर्मेंस वाइज गेमिंग बहुत तगड़ी है इस डिवाइस की, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से सेल्फी का ज़्यादा यूज़ अगर नहीं करते हैं, ज़्यादा फोटो शॉट नहीं खींचते हैं अपनी, तो आपको इस फोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेल्फी कैमरा इस डिवाइस का अच्छा नहीं लगा मुझे। तो अगर आपको सेल्फी नहीं लेनी है, आपको परफॉर्मेंस डिवाइस चाहिए, बढ़िया लुकिंग डिवाइस चाहिए, तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। इसका खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। सेल्फी के लिए इस डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम है, आगे अगर ठीक होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।